एवरीवन, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोशॉप। फोटोशॉप क्या है, यहाँ पर ये किस लिए यूज होता है, इसके थ्रू हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये सब जानेंगे हम इसके अंदर, क्लियर। और यहाँ पर अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फोटोशॉप एक अडोबी कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, ये फोटो एडिटिंग के लिए बना हुआ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये एक ग्राफिक बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब ग्राफिक बेस्ड सॉफ्टवेयर मार्केट में आपको दो तरीके के मेनली देखने को मिलते हैं, एक आपका वेक्टर ग्राफिक, एक आपका रास्टर ग्राफिक। वेक्टर ग्राफिक क्या होता है, वो पाथ बेस्ड होता है, जो कि आपका यहाँ पर जैसे कि कॉरल ड्रॉ हो गया, जिसके अंदर बनी हुई चीजें आप जितनी भी जूम कर लो वो कभी भी पिक्सलेट नहीं होती है, उसके पिक्सल्स वगैरह नहीं फटते हैं, क्योंकि वो पिक्सल से नहीं बल्कि पाथ से बना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका फोटोशॉप है ना, वो है आपका रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। रास्टर बेस्ड का मतलब होता है पिक्सल्स से बनी हुई ग्राफिक्स को यूज करने वाला, ठीक है। पिक्सल से बने हुए ग्राफिक्स मतलब, जो कि यहाँ पे पिक्सल क्या होता है, पिक्सल एक मेजरमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे डिस्टेंस को नापते हो किलोमीटर्स के अंदर, मीटर्स के अंदर, आप पानी को नापते हो लीटर्स के अंदर, वैसे ही यहाँ पर इमेज की यहाँ पर रेजोल्यूशन को नापा जाता है पिक्सल्स के अंदर, ठीक है। पिक्सल एक छोटे छोटे यहाँ पे डॉट्स होते हैं, या फिर बॉक्सेस आप बोल सकते हो, क्योंकि कलर्ड बॉक्सेस होते हैं जिसको मिला के एक बड़े फ्रेम में आपकी एक फोटो तैयार होती है, क्लियर। तो इसको समझने के लिए आपको मैं डिस्प्ले पे दिखाता हूँ, जैसे कि कुछ यहाँ पे वेक्टर इमेजेस जो कि थोड़ी बहुत कार्टूनिश दिखती हैं आपको, ठीक है, रियलिस्टिक नहीं होती हैं वो। लेकिन जो आपका दूसरी तरफ रास्टर इमेजेस होती हैं, वो आपका जैसे कि मोबाइल से हम पिक्चर क्लिक करते हैं तो वो आपकी एक रास्टर इमेज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफिक डिजाइन करते हैं रास्टर बेस्ड फोटोशॉप के अंदर, क्लियर। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्रोम को ओपन किया और इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं क्रोम को ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पर गूगल का एक लोगो है, ठीक है। अगर मैं इस पेज को जूम करता हूँ, आपको उससे पहले एक चीज मैं बता दूँ, यहाँ पर इस पेज में जितना भी टेक्स्ट है वो वेक्टर है, ठीक है। और ये जो गूगल लोगो है, ये एक यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर बना हुआ यहाँ पर एक रास्टर ग्राफिक बेस्ड यहाँ पर इमेज है, ठीक है। मैं अगर इसको जूम करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये बिल्कुल भी यहाँ पे पिक्सलेट नहीं हो रहा है, इसकी क्लियरिटी वैसे की वैसे ही मेंटेन्ड है, लेकिन जो गूगल का आइकन है ये यहाँ पर पिक्सलेट हो चुका है, क्योंकि ये रास्टर बेस्ड यहाँ पे गूगल डिजाइन किया गया है फोटोशॉप के अंदर, क्लियर। तो इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जो आपके पिक्सल्स मैंने आपको बताया ना कि ये बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, जो कलर्ड बॉक्सेस होते हैं, इसको मिलकर आपकी एक पिक्चर बनती है। यहाँ पे मैंने फोटोशॉप के अंदर एक यहाँ पर इमेज ओपन कर ली है। अगर मैं इसको यहाँ पर जूम करता हूँ इस तरीके से, देखो कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की होती है जूम करने के लिए, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर वो बॉक्सेस विजिबल अब हो गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये बॉक्सेस को मिला मिलाकर एक इस तरीके की इमेज आपकी तैयार हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वर्क करते हैं इन ग्राफिक्स के ऊपर। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर कुछ लेआउट के रिगार्डिंग कुछ चीजें, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगी। जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ, आपको जैसे आप ओपन करते हो आपको जाना है पहले फाइल पे। आप स्टार्ट कर सकते हो या तो एक यहाँ पर कैनवस के थ्रू या फिर एक फोटो के थ्रू, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको कैनवस यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल एक विंडो मेरे पास ओपन होता है, जिसके अंदर एक सेक्शन में आपको यहाँ पर दिखते हैं कुछ पिक्सल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। PX का मतलब फुल फॉर्म होता है पिक्सल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको अगर कोई ग्राफिक डिजाइन करना है तो उसका कैनवस साइज कितना होना चाहिए, कितना उसका हाइट होना चाहिए, कितना उसका विड्थ होना चाहिए। तो इस केस में अगर आप कोई मोबाइल के रिगार्डिंग कर रहे हैं, वैसे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप किस किस के लिए यहाँ पे डिजाइन करते हैं ग्राफिक्स, किसी पोस्टर के लिए, या फिर आप यहाँ पे किसी वेब पेज लेआउट के लिए, या फिर आप यहाँ पे किसी UI इंटरफेस के लिए आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन करते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी तरीके की एडवर्टीजमेंट के लिए। और ओके, देन उसके बाद अगर आपको यहाँ पे वो चीज वेबसाइट पे दिखानी है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा वेब, ठीक है। अब इस पर क्लिक करो, आपको कई सारे यहाँ पर सैंपल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर पिक्सल्स पहले से प्री डिफाइंड मिल जाएंगे जो कि पहले से सेट करे हुए हैं, ठीक है, प्रीसेट्स इनको बोलते हैं हम, ठीक है। मोबाइल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मोबाइल के मॉडल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आईफोन X, आईफोन 8 और कुछ एंड्रॉयड 1080p, तो कुछ मोबाइल के मॉडल नेम है और उनके नीचे उनके पिक्सल रेशियो लिखा हुआ है, ताकि आप इजीली उनको क्लिक करते हैं यहाँ पर पिक्सल्स अपने आप ऑटोमेटिकली वो प्रिंट लिख देगा और यहाँ पे वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, क्लियर। अदरवाइज आपको यहाँ पे खुद से लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर एक कैनवस चाहिए 2000 पिक्सल्स उसकी विड्थ होनी चाहिए, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ 1300 उसकी
हाइट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब हाइट कम है विड्थ ज्यादा है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, सॉरी विड्थ ज्यादा है हाइट कम है, ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वो आपको ये आइकन दिखा रहा है, इसका ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपका वो लेआउट पोर्ट्रेट है या फिर लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है वो पेज आपका, वो कैनवस आपका लंबाई में ज्यादा है, चौड़ाई में कम। लैंडस्केप का मतलब होता है चौड़ाई में ज्यादा, हाइट में कम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है हाइट में ज्यादा, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है पोर्ट्रेट, क्लियर। और इसके बाद अगर आप लैंडस्केप में जैसे क्लिक करते हैं ना, तो ये चीज आपका स्विच हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो 1300 हाइट है इसकी, मैंने क्लिक किया इसके ऊपर और उसके बाद यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, सिंपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये स्विच हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है यहाँ पर, सिंपल आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन, ये क्या होता है सिंपल, पिक्सल पर इंच, पीपीआई इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, पिक्सल पर इंच मतलब हर एक इंच डिस्प्ले के हर एक इंच में यहाँ पर कितने पिक्सल्स होने चाहिए। फिलहाल यहाँ पे 72 ही आप रखोगे और यहाँ पे ज्यादातर 72 ही यूज होता है, ठीक है। और RGB एंड यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे RGB सिलेक्टेड है। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन और ब्लू, जो कि यहाँ पर अगर आपको डिजिटली कुछ भी प्रिंट करवाना है उसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप यहाँ पे जो आप आपका बैकग्राउंड आएगा कैनवस का, उसको आपको कलर चेंज करना है, उस चीज का व्हाइट रखना है, ब्लैक रखना है या फिर कुछ और रखना है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अदरवाइज इसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, फिलहाल के लिए अभी मैं यहाँ पर व्हाइट ही रख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पे, और क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा पोर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं आसपास देता हूँ, तो कुछ ऐसा लेआउट आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करते हो, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग क्या होता है कई बच्चों के साथ कि वो इसको मूव कर देते हैं, ठीक है, या फिर इस टूल को मूव कर देते हैं, या फिर इस प्रॉपर्टी बार को मूव कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ से वो बाय मिस्टेक इस तरीके से क्लोज भी कर देते हैं, तो बोलते हैं कि यहाँ पे आपके टूल्स मिस अरेंज हो चुके हैं, और या फिर उनके टूल्स यहाँ पे गायब हो चुके थे, उनको नहीं पता कि उन टूल्स को वापस कैसे उसको एक्सेस किया जाए, वापस उसको कैसे लाया जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सिंपल जाना है विंडो पे, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है वर्कस्पेस। आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखोगे रीसेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आप बस इसके ऊपर क्लिक कर दो, आपकी सारी की सारी सेटिंग बाय डिफॉल्ट जैसी थी वैसी की वैसी ही हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। सभी टूल्स यहाँ पे वापस आ चुके हैं और आपको यहाँ पर दोबारा यहाँ पे आप अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हो। देन उसके बाद क्या है, इस सेक्शन को जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे फाइल एडिट, ये सभी आपके मेन्यूज है, जो कि मेन्यूज के अंदर यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ठीक है। इन ऑप्शन को भी हम कवर करेंगे फर्दर आने वाली वीडियोस में। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये होता है आपका प्रॉपर्टी बार, जो कि हर एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद, हर एक टूल सिलेक्ट करने के बाद बेसिकली आपके यहाँ पे ऑप्शन भी चेंज होते रहेंगे, क्लियर। और इसके बाद क्या है, ये आपका जैसे कि मैंने बताया कि ये टूल सेक्शन होता है और ये आपका लेयर सेक्शन होता है बेसिकली, क्लियर। तो लेयर्स भी यहाँ पे जो लिखा हुआ है लेयर्स, ठीक है, ये भी इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको भी हम आने वाली कुछ वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल अभी के लिए ये सब एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, और अभी इस वीडियो के लिए इतना ही।